क्यों सर, विधानसभा उपचुनाव की हमने आपको पहले बताया था कि गाड़ियों को जब्त करने का एक सिलसिला लगातार चल रहा है। हमने ये भी बताया था कि आकला पेट्रोल पंप से दो गाड़ियां जब्त हुई थी, उसमें एक गाड़ी आंचना के पूर्व सरपंच की थी और दूसरी गाड़ी जिनकी जब्त हुई है वो भाई साहब हमें मिले हैं। इनसे ही जानते हैं कि इनकी गाड़ी बता रहे हैं कि रोड के एक साइड में खड़ी थी और गाड़ी को लेके गए थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। चंद्र प्रकाश जी, पेट्रोल पंप के पास आपकी गाड़ी जब्त हुई थी? हाँ, मेरी गाड़ी ऑन रोड पर खड़ी थी और मेरी गाड़ी जब्त करके ले गए। मैं थाने के अंदर गया, वहीं यहाँ से पीछे पीछे, तब मेरे को बोला किस पे गाड़ी लगी हुई, किस पार्टी में गाड़ी लगी हुई है आपने। मैंने बोला मेरे RLP में गाड़ी लगी हुई है। तो मेरे को बोला कि परसों गाड़ी छोड़ेगी, परसों शाम तक गाड़ी छोड़ेगी। मैं खेवसर थाने के अंदर जाकर आया हूँ। हाँ, खेवसर से आया मैं भी। जो एक तो गाड़ी जो पूर्व सरपंच थे उनकी जब्त हुई थी, दूसरी गाड़ी आपकी थी उस समय? हाँ, उस समय मेरी थी। और कम से कम खेवसर थाने के अंदर 20-25 RLP गाड़ी जब्त हो रही है, मौजूद है। अभी हम वहीं से आए, लोग सुबह से वहाँ परेशान हो रहे हैं। आप थाने में गए थे, आपको पहले यहाँ आपने कहा नहीं उनको मेरी गाड़ी क्यों लेके जा रहे हो? हाँ, मैंने बोला कि पोस्ट हटाना। मैंने बोला साहब यहाँ पर BJP की बहुत गाड़ियाँ चल रही है, ये आपके थाने के आगे से चल रही है। BJP की बहुत आगे पोस्टें लगी हुई है, सब चीज की लगी हुई है। आपने एक गाड़ी भी BJP की जब्त नहीं की है। और थाने के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ हैं, 20-25 गाड़ी है, वो सब RLP की जब्त की हुई है। नहीं, आपने रीजन की बतायो, आपने कहीं रीजन है कहीं क्यों? मेरे को यही रीजन बताया उन्होंने कि आपने पोस्ट लगाया हुआ है और आचार संहिता में पोस्ट नहीं लगा सकते, BJP गाड़ियों पोस्ट नहीं होते हैं। और मैंने बोला ये देख लो, आप थाने से बाहर चल कर देख लो, थाने के बाहर ही चल रही है गाड़ी, BJP की पोस्ट लगी हुई चल रही है, रेवंत राम डांगा की बहुत पोस्ट लगी हुई गाड़ी, झंडे भी लगे हैं, बाहर खड़ी थी थाने के बाहर। थाने जाके आए तो थाने में आपने क्या बोला उनको, आपको उन्होंने क्या कहा? मेरे को उन्होंने बोला नहीं छोड़ेंगे। मेरे को बोला तो मैंने बोला सर प्लीज छोड़ दो गाड़ी, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं। तो बोला कि तू कोई मसीहा तो नहीं, तेरी गाड़ी छोड़ूंगा किले की, जाना जा वरना गाड़ी यहीं रहेगी, दो दिन बाद में गाड़ी छोड़ेंगे। अच्छा, चुनाव के बाद में? हाँ, चुनाव के बाद।